इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। इन दिनों फ्रांस ट्विटर पर है, इन दिनों फ्रांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और फ्रांस सोशल मीडिया पे क्यों छाया हुआ है, इसकी वजहात भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तरह तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जहां पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि ये बॉयकॉट क्यों चल रहा है और सोशल मीडिया पे बॉयकॉट फ्रांस ट्रेंड क्यों कर रहा है, उनको हम बता दें। ये विवाद शुरू हुआ फ्रांस के टीचर की एक हत्या से। फ्रांस के हिस्ट्री के टीचर ने क्लास में जब प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून दिखाया, तो उसी के स्टूडेंट ने क्लासरूम यानी स्कूल के बाहर उस टीचर की गर्दन काट दी। इसके बाद से विवाद शुरू हुआ, लेकिन इस विवाद ने तूल तब पकड़ी जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसको इस्लामिक कट्टरपंथी का एक नमूना बताया और इस हत्या को इस्लामिक टेररिस्ट अटैक बताया। हालांकि उस छात्र से आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जब उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उस वक्त ही उसका इनकाउंटर भी कर दिया गया। उसके साथ साथ उसके ख़ानदान के 9 लोगों को यानी कि उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्त में ले लिया गया है और उनसे छानबीन जारी है। लेकिन मसला है फ्रांस के प्रेसिडेंट के इन बयानों का, मसला है कि किस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट के उन बयानों ने तूल पकड़ा और खाड़ी देशों में फ्रांस के प्रेसिडेंट के इन बयानों की बुरी तरीके से आलोचना हुई और इसका असर पड़ रहा है फ्रांस के प्रोडक्ट्स पर। फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े मॉल से, बड़े बड़े दुकानों से हटा लिया जा रहा है। जो खबरें हमारे पास आ रही हैं सीरिया से, कुवैत से, सऊदी अरब के बड़े शहरों से, जो बड़ी फूड चेन्स हैं, वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को हटा लिया गया है। हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी विरोध शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये खबरें नहीं आई हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान या पाकिस्तान या एशिया के मुल्कों में भी इसका विरोध चल रहा है। लेकिन हाँ, कि इसका विरोध चल रहा है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस को बिना इस्लाम की जानकारी के इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था, जब पूरी तरीके से इस्लाम की जानकारी उन्हें नहीं है तो फिर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। एक गौरतलब यह है कि एक दूसरी बात इसमें यह भी है कि फ्रांस ने इससे पहले भी कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लाने की बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि 60 लाख फ्रांस के जो मुसलमान हैं वो हाशिए पर आ सकते हैं, वो मेन स्ट्रीम से कट सकते हैं। कुछ उस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस फ्रांस पर लाने की बात हुई थी। वहीं फ्रांस का कहना यह है, फ्रांस के विदेश मंत्रालय का कहना यह है, विरोध सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी के गुट ही कर रहे हैं, अधिकतर मुस्लिम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और टर्की जैसे मुल्कों का कहना यह है कि फ्रांस के 60 लाख मुसलमानों को दरकिनार करने, उनको हाशिए पे लाने और उनको मेन स्ट्रीम से तोड़ने की ये फ्रांस की तैयारी है और जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़ास बात यह भी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस हत्या का अफसोस तो जताया है, लेकिन साथ में जो कार्टून प्रॉफिट मोहम्मद का दिखाया गया था उसको भी सपोर्ट किया है। तो ये विरोध की सबसे बड़ी वजह ये भी है। अभी आगे इसमें देखना है कि किस कितना विरोध होता है, कितना बॉयकॉट चलता है और ये बॉयकॉट कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।